हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तिवारी एंड तिवरंग। सो एक्चुअली अभी राखी आ रही है। सो राखी में मैं सोच रही थी कि कुछ मेकअप करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे अपना थ्रेडिंग करना था। सो थोड़ा सा अपर लिप भी बहुत ज़्यादा ये हो गया है। सो हमें एक सीजर चाहिए ट्रिम करने के लिए, एंड देन एक थ्रेड चाहिए। आप कोई भी थ्रेड ले सकते हो, ये मेरे पास ऐसे ही था तो मैंने ले लिया। अगर ये थ्रेड है तो ज़्यादा अच्छा है। और एक कोई भी आप ड्राई पाउडर ले लो, देन उसके बाद आप क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले ये थ्रेड का ऐसे करके एक एक या दो इसके जो साइड्स हैं, एंड्स जो हैं इसके, आप इसको अच्छे से टाई कर लो। ऐसा एक थ्रेड बना लो आप, और उसके बाद फिर आप थोड़े से थोड़ा सा जो भी है आपका जो पाउडर है वो लेके, जिस एरिया में आपको थ्रेडिंग करनी है, अपर लिप्स करना है अपर लिप्स, या अगर फोरहेड करना है तो फोरहेड पे थोड़ा सा, क्योंकि उससे वो जो फेस का एरिया है उतना ड्राई हो जाएगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा करना। तो क्या करना है इसके बाद आपको, ये ऐसा थ्रेड जो आपने बनाया है उसको 1 2 3 4 5 5 टाइम्स आपको ले लेनी है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे ऐसे पुल करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना थ्रेडिंग। आप जैसे इसको थ्रेड को इस साइड करोगे तो जो भी हेयर है, अगर आप लेफ्टी हो या राइटी हो, अपने अकॉर्डिंग आप अपने हाथ का मूवमेंट कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका इस साइड या इस साइड में हेयर का ग्रिप अच्छा होना चाहिए, और थोड़ा डरना नहीं। थोड़ा सा पेन होता है डेफिनेटली, बट या खूबसूरत दिखने के लिए थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि ऐसे टाइट करके स्किन को, और उसको पुल करना है। फील हो रहा होगा, अगर आप वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हो, फील हो रहा हो कि मेरा स्किन थोड़ा सा पुल हो रहा है, मीन्स हेयर निकल रहा है, अच्छे से क्लीन हो रहा है। सो आप अगर लेफ्टी हो, लेफ्ट जैसे कि आप कंफर्टेबल हो अपने हाथ से, डेफिनेटली आप वैसा कर सकते हो। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कैसा करना है कैसा नहीं करना। सो जस्ट डू इट लाइक दिस एंड क्लीन योर एक्स्ट्रा हेयर्स जो भी है वो। जो अपर लिप है वो क्लीन हो चुका है द सेम वे, ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सी आप जैसा देख रहे हो, और अगर आपको लग रहा है कि फिर से आपका थ्रेड फंस रहा है तो प्लीज़ आप सेम तरीके का एक और थ्रेड लेके उसको बना लो, और आप सेम वे में आप घर पे थ्रेडिंग कर सकते हो। और अभी मैं अपना करूँगी। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और जो देखने वाले व्यूअर्स होते हैं उनको भी बहुत बोरिंग सा लगता है। सो मैंने आपको ये तरीका बता दिया, तो कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है थोड़ा सा। और उसके बाद जब आप थ्रेडिंग कर लो, डेफिनेटली अगर एलोवेरा जेल आपको सूट करता है तो प्लीज़ आप लगाओ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बहुत, तो अगर आपका स्किन जो है बहुत ज़्यादा आप प्रेशर के साथ अगर कर रहे हो तो झेल नहीं पाता। सो एलोवेरा जेल वगैरह लगा के उसको थोड़ा आइस वाइस लगा के नॉर्मल कर लो। ठीक है, तो सेम वे में मैं भी अपना थ्रेडिंग करूँगी। सो जैसा कि मैंने बोला था आपको, थ्रेडिंग करने के बाद प्लीज एलोवेरा जेल और नहीं तो फिर आइस क्यूब ज़रूर लगाया करें। सो जैसा कि आप देख रहे हो, थोड़ा सूदिंग अच्छा लगता है एक्चुअली। सी अभी आपको मेरा आईब्रो का शेप बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कैसे मैंने बनाया है। एंड आफ्टर दैट मॉइस्चराइजर लगा लें आप। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।